आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कम्बर्शन जिसमें फर्स्ट डिफरेंस है रेस्पिरेशन वाइटल प्रोसेस होती है और रेस्पिरेशन की प्रोसेस हमेशा लिविंग सेल्स के अंदर होती है जबकि कम्बर्शन की प्रोसेस केमिकल प्रोसेस होती है और इसके लिए लिविंग सेल की जरूरत नहीं होती सेकेंड डिफरेंस है रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जबकि कंबर्शन फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है थर्ड डिफरेंस है रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो स्टेप बाय स्टेप रिलीज होती है जबकि कम्बर्शन के अंदर एनर्जी सडनली रिलीज हो जाती है मतलब ये स्टेप बाय स्टेप मैनर में इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती एकदम से एनर्जी रिलीज होती है इसमें फोर्थ डिफरेंस है रेस्पिरेशन में टेम्परेचर बहुत कम इंक्रीज होता है जबकि कम्बर्शन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है फिफ्थ डिफरेंस है रेस्पिरेशन में जो एनर्जी स्टोर होती है वो एटीपी मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर होती है ठीक है लेकिन कंबशन की प्रोसेस में एटीपी की फॉर्मेशन नहीं होती सिक्स्थ डिफरेंस है रेस्पिरेशन की जो पूरी प्रोसेस है यानी कि जो रेस्पिरेशन के रिएक्शन है उसको एंजाइम्स रेगुलेट करते हैं जबकि कंबशन की प्रोसेस को कोई एंजाइम रेगुलेट नहीं करता ठीक है इसमें किसी भी एंजाइम की जरूरत होती भी नहीं है सेवन्थ डिफरेंस है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो ऑक्सीडेशन होता है वो रिएक्शन के एंड में होता है जो कि रिड्यूस्ड को एंजाइम एंड ऑक्सीजन के बीच में होता है ठीक है लेकिन कंबशन में जो सबस्ट्रेट हैं वो डायरेक्टली ऑक्सीडाइज कर जाते हैं